हेलो गाइज, माइसेल्फ आरके विक्रम वर्मा, स्वागत है आपको द ट्रेडर्स ओपेरा। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं मिड कैप और बैंकर्स का एक्सपायरी का डिटेल एनालिसिस वीडियो। तो आज तो था सेंसेक्स का एक्सपायरी। सेंसेक्स के एक्सपायरी में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त मूव हम लोग कैप्चर किए हीरो जीरो में। तो वो हीरो जीरो में हम लोग को ऑलमोस्ट जो देखिए मिला है ना, लगभग 2.5x के आसपास हम लोग यहाँ देखने को मिला। सीधा सीधा जो प्रीमियम हम लोग का मूव किया ना, 103 पॉइंट मिला। हम लोग 40-42 रुपये से बाइंग था और बहुत ही ज़बरदस्त ये मूव था। ओवरऑल बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग लगभग लास्ट में 238 से 483, लगभग 2x यहाँ भी मिला। मिड कैप में भी ऐसे ही मिला। तो ओवरऑल आज मार्केट ट्रेंडी था, एक अच्छा मूव था, दोनों साइड का मूव मिला। और इस तरीके के मूव को कैप्चर करने के लिए मैं डेली बेसिस पे ना 1:30 PM में लाइव आ जाता हूँ इसी चैनल पे, सेम यूट्यूब पे। मॉर्निंग में जूम पे आता हूँ, तो जूम का लिंक लेने के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलो आगे देखते हैं कैसे हमारा बैंकर्स और मिड कैप वर्क करने वाला है। तो अभी मैं आ जाता हूँ सबसे पहले मिड कैप पे, और मिड कैप के चार्ट पे अगर मैं देख पा रहा हूँ तो अभी लगभग 3:29 हो रहा है। 15 सेकंड अभी भी बचे हुए मार्केट के क्लोज होने में। तो चलो ओवरऑल हमको लगता है यहीं पे क्लोज होगा। ये वाला जोन है एक, और इस जोन में मार्केट अगर कहीं यहीं पे अभी क्लोजिंग दे दिया है, ओवरऑल समझिए क्लोजिंग ही है। 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड, चलो ये क्लोज हो गया ओवरऑल, है ना। तो मार्केट का जो क्लोजिंग मिला है 10,557 के आसपास मिला है। तो इस क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट अगर कल भी अगर इसी जोन पे खुले यहीं पे, तो एक अच्छा सेटअप बन करके तैयार है मार्केट को फ्लाई उड़ने के लिए और मार्केट गिरने के लिए भी। दोनों सिनेरियो में मार्केट अगर इस जोन पे ओपन होता है तो नीचे आता है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। मार्केट अगर ऊपर इधर ब्रेकआउट देता है तो सीधा 10,605 के ऊपर हम लोग एक अच्छा बढ़िया मूव ऊपर साइड का देखने को मिल जाएगा, राइट। तो अभी देख लेते हैं फ्लैट ओपन अगर मार्केट हो जाए तब हम लोग किस तरीके से प्लान करने वाले हैं। तो फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर के ऊपर निकलना शुरू करे तो हम लोग सिंपल सा सेटअप है, सिंपल सा प्लानिंग है, उसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। तो चलो हम पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देख पा रहे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि ये वाला यहाँ अगर निकलता है तो रिस्की प्लेयर यहीं से उठा सकते हैं। जो सेफ प्लेयर है ये वाला जोन को देखना, और उससे भी ज़्यादा सेफली चलना चाहते हो तो 605 के ऊपर प्लान करना, राइट। ये वाला बिल्कुल जोन अवॉइड कर देना। 605 के ऊपर जैसे मार्केट निकले, पहला टारगेट 624, उसके बाद 690 सीधा एक फास्ट मूव देखने को मिल सकता है, फास्ट कवरिंग। एंड नेक्स्ट टारगेट 10,744 तक का ये अपर साइड का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करी जाए कि डाउन साइड का, तो कैसे क्या सारी चीज़ें किया जाए। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में देखो क्या करना है। गैप अप अगर ये इसके ऊपर 10,605 के ऊपर हो जाए और एक बार मार्केट को नीचे आने देना, नीचे क्या इस जगह पे जहां पे मार्केट आज क्लोज किया या तो जहां पे ये देखो टाइम पास किया, अगर यहां तक आकर के मार्केट ऊपर जाए तो एक परफेक्ट सेटअप होगा। मार्केट गैप अप ओपनिंग होकर के सीधा निकलना शुरू करे तो पहले ये वाला जोन तक जाने देना, फिर एक बार रीटेस्ट होने देना एंड प्लान करना। ऐसे आएगा और होगा तो बहुत मजा आपका सेटअप फिर बनेगा और फिर अच्छा खासा प्रॉफिट वहां जनरेट कर सकते हो, जहां रिस्क आपका कम हो जाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर के नीचे आना शुरू करे तो डाउन साइड के लिए हम लोग क्या करने वाले, ये देखो डाउन साइड के लिए क्या है ना कि अभी यही वाला जोन सीधा जैसे इसके नीचे निकले आप पुट साइड का प्लान कर लेना। ये वाला लो के लिए 10,500 तक का टारगेट तो देख ही सकते हो, ये 10,500, उसके नेक्स्ट बाद आपको 10,470, नेक्स्ट उसके बाद 10,430, नेक्स्ट आपका 10,400, एंड फिर आपका जो फाइनल है 10,368, यहाँ तक का आप टारगेट डाउन साइड का देख सकते हैं। अब रही बात फाइनल एग्जिट की, अगर बात करीजिए तो फाइनल एग्जिट अगर मार्केट डाउनसाइड इस कंटिन्यू फॉल करना शुरू कर दे तो अभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट अभी देख पा रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 10,430, जहां से मार्केट ये वाला देखो कंटिन्यू ऊपर गया है, राइट। मार्केट कहीं गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन के सिनेरियो में क्या करेंगे। गैप डाउन कहने का मतलब कि अगर एक सेकेंड ये देखो, मार्केट अगर कहीं गैप डाउन हो जाए तो गैप डाउन के सिनेरियो में क्या करेंगे। गैप डाउन अगर ये वाला इसके जोन नीचे हो जाए या तो इस जोन में कहीं भी हो जाए तो इस जोन में अवॉइड करना यार, मार्केट को अवॉइड करना इस जोन में कहीं भी ओपनिंग हो जाए। इसके नीचे जाए तब प्लान करना या इसके ऊपर जाए तभी फिर प्लान करना। तो ये सिंपल सा हमारा था मिड कैप के लिए। अब चलो देख लेते हैं बैंकर्स किस तरीके से काम करने वाला। बैंकर्स की अगर बात करी जाए तो आज बैंकर्स भी बहुत ही शानदार और बढ़िया मूव दिखाया है यहाँ पे। तो चलो बैंकर्स का ओवरऑल सारी जो पिछले एनालिसिस था उसी पे डॉट टू डॉट सारा मार्केट काम कर रहा है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा लिया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट ये वाला 54,394, दैट मीन्स 54,400 के ऊपर निकले तो प्लान करना, और इसके बिलो
53,974, ये दोनों लेवल, ये वाला बीच वाला जोन में अगर मार्केट रहे तो नॉट ट्रेड जोन है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ टाइम पास ही किया है पहले, तो इसलिए इसमें अवॉइड ही करना। छोटा छोटा स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसमें उतना वॉल्यूम होता नहीं है, जिस कारण से स्कैल्पिंग भी बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता आपके लिए। हाँ, इसमें सेकेंड हाफ में आप करेंगे ट्रेड तो बढ़िया स्कैल्पिंग किया जा सकता है। तो चलो देखते हैं कि अगर फ्लैट ओपन हो जाए तब हम लोग किस तरीके से इसमें प्लान करने वाले हैं। अगर फ्लैट ओपन हो जाए तो फ्लैट ओपन के सिनेरियो में हम लोग क्या देख सकते हैं, तो देखो फ्लैट ओपन होते ही ये वाला स्विंग को निकालने देना, ये स्विंग जैसे कि एक ट्रेंड लाइन, राइट। इस ट्रेंड लाइन को निकाले तो सीधा सीधा पहला टारगेट 54,889, फिर सीधा टारगेट आपको देखिएगा 55,000 का, एंड नेक्स्ट टारगेट आपको 55,343, एंड फिर 55,531 जो कि आपको फाइनल एग्जिट करना होगा। ये आपका अपर साइड का लेवल है। मार्केट कहीं गैप अप ओपनिंग हो जाए, गैप अप के सिनेरियो में क्या कर सकते, गैप अप 54,000 आपका हो जाए 589-600 के आसपास, तो पहला टारगेट 54,800, फिर 55,000, एंड ओवरऑल गैप अप ओपनिंग होकर के एक बार नीचे आ जाए इस जगह तक तो और अच्छा है कि ऊपर जाने का, है ना। फ्लैट ओपन होकर के मार्केट अगर कहीं डाउन साइड के लिए निकलना शुरू करे तब हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है, तो डाउन साइड के लिए हम लोग देख लेते हैं। ये वाला जहां से अभी ये मार्केट ऊपर शॉर्ट कवरिंग दिखाया है, या तो फिर यहीं अगर तुरंत से मार्केट निकलना शुरू करे इसी जगह से, तो यहां से यहां तक का एक शॉर्ट कवरिंग आपको हो सकता है एक ही कैंडल में दिख जाए, राइट। तो अभी क्या है ना कि इस इन ये सिचुएशंस में हम सबको करना क्या है कि यहाँ पे इस 53,974 के बिलो निकले तो पहला टारगेट 53,788, नेक्स्ट टारगेट 53,507, यानी फाइनल टारगेट जो आपको देखने को मिलेगा डाउनसाइड के लिए वो आपका, देखो यहाँ पे प्राइस एक्शन बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये वाला लेवल पे ध्यान रखना 53,000 पे, जो कि एक फाइनल एग्जिट का यहाँ आपको दिखेगा। वैसे तो मार्केट इतना नीचे आने के राह नहीं, ऐसा मूव दिख नहीं रहा है कि मार्केट नीचे आएगा। मार्केट लग रहा था कल जैसे कि बुलिश हो गया, ओवरऑल अब ये बियर जो है गायब हो गया, बुल एक्टिवेट हो गया है। और अभी जब हमने फर्स्ट आप 12 बजे तक या 12 बजे से पहले देखेंगे तो मार्केट एकदम बियरिश सा लग रहा था कि फिर से बियर आ गया, लेकिन अभी फिर से जो शॉर्ट कवरिंग दिखा है ना तो मार्केट में बुल अभी जिंदा है, मतलब बुलिश अभी जिंदा है। तो बहुत सोच समझ करके प्लानिंग करना, दोनों साइड का मूव मिल रहा है। तो ये नॉर्मल सा डिस्कशन था हमारा निफ्टी मिड कैप का एंड बैंकर्स का। तो ये सारी चीज़ें आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन करके सारी चीज़ें देख सकते हो, वहाँ भी मैं टाइम टू टाइम सारी चीज़ अपडेट करता रहता हूँ। मैं मॉर्निंग के 9 बजे भी लाइव आ जाता हूँ एंड 1:30 PM में भी लाइव आता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना, कोई भी क्वेरी एंड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, थैंक यू।